वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे सब लोग और अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। तो आज जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कि अगर कोई स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर है यार अगर हमारे पास, तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होने वाली है। यानी मैं इंडायरेक्टली कहूँगी एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे, थ्योरेटिकल के चांसेस कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन भी कराऊंगा स्फेरिकल शेप की बॉडी पे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो इनिशिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी और उसमें आपको पूरा कंटेंट मिलेगा आपके बोर्ड के लेवल का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, हमारे पास एक स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर। अब इसकी रेडियस मैंने मानी यार कैपिटल आर, इसकी रेडियस क्या ली हमने कैपिटल आर। अब मैं मानता हूँ कि इस पर पूरे पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, जो पूरे पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं मान लेता हूँ कि वो टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू। मैंने मान लिया इसके पास कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल कैपिटल क्यू। अच्छा आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने एक टॉपिक ये भी पढ़ा था जब कैपेसिटेंस टॉपिक पढ़ रहे थे हम, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं पोटेंशियल, कि अगर किसी स्फेरिकल शेप की बॉडी है तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती थी। आप पढ़ के आए हो बहुत अच्छे से, नहीं पढ़ के आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना प्लीज, ठीक है यार। चलिए तो आप जानते हो कि वो वैल्यू होती है हमारे पास v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू होती है अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है, और स्फेरिकल शेप की बॉडी पे अगर मैं कहूँगी यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि स्फेयर के हर पॉइंट पे, इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ये होने वाली है v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अच्छा आर क्या है यहाँ पे, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, क्लियर है मेरी बात। और यार क्यू है हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस स्फीयर पे। और अब मैं अगर आपको बताऊँ आपके पास पोटेंशियल की, आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती थी आपके पास c इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, नहीं याद आ रहा कैसे आया है, तो याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू सी वी, क्यू इक्वल्स टू सी वी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ से हमारा C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन V, तो C की वैल्यू हमारी होगी Q अपॉन V। तो यार आप एक बात देखो, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, तो मैं अगर इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 की मदद से एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ खास करने वाला नहीं हूँ, C की वैल्यू Q अपॉन V है, तो v की जगह पे ये वैल्यू उठा के डालने वाला हूँ k q अपॉन r। क्या कर सकता हूँ बेटा मैं ऐसा, बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने कुछ नया काम नहीं किया बिल्कुल, क्या आपके पास जो फॉर्मूला था c इक्वल टू q अपॉन v, वहाँ पे ये v की वैल्यू उठा के डाली है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन के क्यू, ये क्या हुआ, ये r टर्म ऊपर चली गई और बेटा q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, c इक्वल टू r अपॉन k, आपके पास फॉर्मूला बचा c इक्वल टू आर अपॉन के। और यार आप बहुत अच्छे से जानते हो कि k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 1/4πε0, याद है ना परमिटिविटी हमारा, k इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अभी वैल्यू रिप्लेस करूँ तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू होने वाली है, देखो ये वाली वैल्यू मैं रिप्लेस करने वाला हूँ यार यहाँ, तो c इक्वल टू आर अपॉन के की जगह पे 1/4πε0, ये वैल्यू रिप्लेस करते, थोड़ा सा अरेंज करिए आप, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू आर, हाँ जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेप की बॉडी है तो उसका कैपेसिटेंस ये होता है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट बॉडी। दैट मीन्स अगर रेडियस ज़्यादा होगी भाई, देखो ना आप लोग साफ साफ, 4π इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, एप्सिलॉन नॉट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, सी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, सी डायरेक्टली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकता है, कि अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूँगा स्फीयर की, अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूँगा स्फीयर की तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, तो आंसर है यार कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल बॉडीज के लिए कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट बॉडी होता है। क्लियर है यार, क्लियर है यार। चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास स्फेरिकल शेप की बॉडी है और उस पर 1 फेरेड हमने कैपेसिटेंस डाला, अच्छा फेरेड तो आपको पता होगा ना ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है,
फेरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, लिख लेना आप लोग अगर नहीं पढ़ा तो, अदरवाइज मेरी लास्ट वीडियोस में पूरा कवर अप है वो। एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड, इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ, ये एसआई यूनिट है इसकी। तो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल, हमें ये नहीं पता कि उसका साइज क्या है, क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है और उसके पास कैपेसिटेंस है 1 फेरेड, तो क्वेश्चन है कि बताओ उसकी रेडियस क्या हो सकती है, उसकी रेडियस क्या होगी। तो क्वेश्चन नोट कराता हूं मैं आपको, रब कर देता हूं बेटा पहले से। क्वेश्चन है बेटा, विजिबल है बेटा बोर्ड पे सब लोग, कैलकुलेट कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी हैविंग कैपेसिटेंस 1 फेरेड। क्वेश्चन समझ आ गया कि एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है और इसके पास कैपेसिटेंस है 1 फेरेड। तो बोल रहा है कि ये रेडियस कैलकुलेट करके बताओ, ये रेडियस क्या होगी इसकी, कितना बड़ा स्फेरिकल बॉडी होगा ये, कि ये स्फेरिकल बॉडी किस साइज की होगी। तो देखिए यार, हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, सी इक्वल्स टू 4πε₀r, हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था सी इक्वल्स टू 4πε₀r। यहाँ पे सी कितना बता दिया यार, सी के बने बोल दिया पहले से कि कैपेसिटेंस कितना बता दिया 1 फेरेड, तो ये वैल्यू डाल दीजिए 1 फेरेड 4πε₀r। ठीक है यार, ये 4πε₀ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4πε₀ इक्वल्स टू आर। क्या किया हमने, कुछ खास नहीं किया, ये 4πε₀ को इधर लेके आया हूँ, तो अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर डिवाइड में आ गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हो एक बात कि 1/4πε₀ की वैल्यू क्या होती है, 9×10⁻⁹ मीटर। 1/4πε₀ की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ मीटर। तो अगर यार 1/4πε₀ मुझे कहीं दिख रहा है तो मैं उसकी जगह पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, तो चलिए यूज़ कर लेते हैं। तो जाएगा 9×10⁻⁹ मीटर इक्वल्स टू आर, तो दैट मीन्स उसकी रेडियस इतना होने वाली है बेटा, सोच से भी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो यानी यहाँ से ये तो पता पड़ गया कि फेरेड जो है कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। तो आगे चल के हम फेरेड यूज़ नहीं करने वाले, फेरेड से कुछ छोटी यूनिट्स देखेंगे, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी छोटी यूनिट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं कैपेसिटेंस की फेरेड से छोटी। ऐसा यूनिट तो हमारी फेरेड है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टेट फेरेड, सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टेट फेरेड। ठीक है, तो अगली वीडियो में वो सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं डिफरेंट टाइप की यूनिट्स। तो अगर देखो यार, इसको किलोमीटर में आप बदलना चाहो तो डिवाइड कर दोगे 10³ से, तो क्या हो जाएगा, 9×10⁹ डिवाइडेड बाई 10³, तो ये आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। और 10³ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 9×10⁶ किलोमीटर। यार अब भी बहुत बड़ी रेडियस है, सोच से भी ज़्यादा। हमारी अर्थ का रेडियस अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर है, हमारी अर्थ का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है, और ये तो देखो 9×10⁶ किलोमीटर आ रहा है। दैट मीन्स हम अपनी अर्थ के पास भी इतना कैपेसिटेंस स्टोर नहीं कर सकते, कि अगर हम कोई स्फेरिकल शेप की बॉडी अपनी अर्थ जितनी भी लें, अपनी पृथ्वी जितनी साइज की कोई स्फेरिकल बॉडी लें, तब भी हम उसके पास 1 फेरेड कैपेसिटेंस स्टोर नहीं कर सकते। तो कैपेसिटेंस की फेरेड यूनिट इतनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी कैपेसिटेंस के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप लोगों के साथ, थैंक यू।